सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुरफस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुबीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुरफस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप गूगल एडवर्ड अकाउंट को जो है कैसे डिलीट करोगे। यानी कि दोस्तों, आप लोगों बहुत से लोग कंफ्यूज है क्योंकि गूगल एडवर्ड अकाउंट में जो है अभी जो नए थीम दिए गए इसके मुताबिक जो है आपको जो इस चीज को जो यूज करना बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है और उनको जो है अगर वो चाहते हैं कि मैं इस अकाउंट को डिलीट करूं वो भी वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स है उनको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप जो गूगल एडवर्ड अकाउंट को जो परमानेंटली कैसे डिलीट करोगे वो भी जो नया वाला जो ये थीम है उसके अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको तो सबसे पहले आपके गूगल एडवर्ड जो अकाउंट आपको डिलीट करना है परमानेंटली, तो उस पर आपको जो है दोस्तों लॉगिन हो जाना है, जैसे कि मैं अभी लॉगिन हुआ हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आप दोस्तों शुरू करते हैं कि हम इस अकाउंट को जो है परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि सबसे दोस्तों एक चीज़ तो सबको पता ही होगा कि सबके पास पीसी या लैपटॉप तो होता नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ टूल्स का ऑप्शन जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर आएगा ऑप्शन सेटअप का, यहाँ पे क्लिक सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने में दोस्तों आपको आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एकदम नीचे वाला प्रीफ्रेंस, तो आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके से जो है दूसरा पेज ओपन होगा और वहीं से दोस्तों हम अपना जो है अकाउंट को जो है डिजेबल करेंगे, यानी कि इस अकाउंट को जो है परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो ये अकाउंट ये जो पेज जो है ओपन होकर आ चुका है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। सेकंड नंबर प्रिफरेंस फॉर ये दिस अकाउंट दिस अप्लाई ओनली टू द यूज़र दैट हैव एक्सेस टू दिस अकाउंट। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंट स्टेटस ये वाला ऑप्शन, तो आपको अकाउंट स्टेटस के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कैंसिल माय अकाउंट, तो आपको दोस्तों इस कैंसिल माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अकाउंट को क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर पॉपअप की तरह एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा वन टू कैंसिल दिस अकाउंट, तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो इस अकाउंट को जो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा डिजेबल। अब हमें आपको रिफ्रेश करके थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंट जो है मेरा जो है कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट स्टेटस पे, आपके यहाँ सामने देख सकते हो अकाउंट कैंसिल, यानी कि हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो हो चुका है परमानेंटली डिलीट। दोस्तों ये आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा 24 घंटे के अंदर जो है आपका अकाउंट जो है दोस्तों पूरी तरह से यानी कि परमानेंटली पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो देख ले कि आप लोगों ने किस तरह से हमने जो है गूगल एडवर्ड अकाउंट को परमानेंटली डिलीट किया है और ये अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन का ऑप्शन है उसको प्रेस कर दिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।